अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सायम सुलहरी और आज की वीडियो के अंदर जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मर्जिंग बंद हो गई थी। जिन लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, अफवाहें हैं, मर्जिंग बंद नहीं होती, आज हमारे साथ प्रैक्टिकली ये हो चुका है। यानी कि आज 16 तारीख है और 16 तारीख वाले दिन आज सुबह मर्जिंग बंद कर दी गई थी। फिर तकरीबन 11:30 बजे के करीब मर्जिंग को दोबारा ओपन कर दिया गया और 2 तारीख का टाइम दिया गया कि 2 अप्रैल तक, यानी कि 1 अप्रैल नहीं कहा कि आपको ये ना लगे कि अप्रैल फूल बना रहे हैं, 2 अप्रैल तक का टाइम दिया गया कि 2 अप्रैल तक जितनी मर्जिंग है वो आप करवा सकते हैं, 2 अप्रैल के बाद फिर मर्जिंग नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली हो ये सकता है कि BTK2 की तैयारी चल रही हो, फिर जो लोग होंगे जो बच जाएंगे उनको BTK2 की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, फिर मजीद जो आगे सिनेरियो होंगे, जो चीज़ें चलेंगी, जो डिफरेंस होगा, अमाउंट डिफरेंस, वो वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, मैं ये यकीन से नहीं कह सकता, जो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक यही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि इस वक्त हो सकती हैं। और उसके साथ एक सवाल था कि बहरिया टाउन के अंदर जो बिल्डर हैं अगर वो भाग जाते हैं तो क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या सिनेरियो होता है, बहरिया किस तरह से उसको अकोमोडेट करता है, उसके बारे में एक मैंने वीडियो भी की थी। उसके मैं फिर भी आपको बताता चलूं, अगर कोई बिल्डर आपके साथ इस तरह का कोई कुछ करता है तो उसमें बिल्कुल बहरिया उसमें अमल दखल करता है, बिल्कुल उसका अमल दखल होता भी है, क्योंकि आपकी जितनी भी बिल्डर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहरिया टाउन के अंदर होती हैं, वो इस प्रॉपर्टी को बाहर तो लेके जा नहीं सकता। अगर वो कुछ भी ऊंच नीच करता है या टाइम पर डिलीवर नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पर नॉट डिलीवर करने की वजह से उसको डेली सरचार्ज पड़ता है और वो डेली सरचार्ज जो है 36,000 रुपए से 50,000 रुपए तक पर डे के हिसाब से होता है जो उसको पे करना पड़ता है। तो इस सारे सरचार्ज से बचने के लिए बिल्डर क्या करते हैं कि वो जो अपनी अमाउंट है, वो जो पोजीशन है, वो टाइम से पहले डिलीवर करते हैं, क्योंकि एक रिटन एग्रीमेंट के थ्रू बहरिया के अंदर वो चीज सबमिट करवाई जाती है कि ये हमारा एग्रीमेंट हो गया, हम इस तारीख को, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पैलेस का प्रोजेक्ट था, जो पैलेस की हमारी डिलीवरी टाइम है वो हमने 1 मार्च 2023 की वो दे चुके हुए हैं कि 2023 तक हमने उसका पोजीशन जमा करवाना है, तो देना हर हाल में। उसके फौरी डे वेरी नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं कि वो आपको पर डे सरचार्ज पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये होती है वो शरायत जिसके ऊपर अमल दरामद करके बहरिया टाउन का बिल्डर अपने क्लाइंट के साथ धोखादही या फ्रॉड करने की नहीं सोचता, क्योंकि उसके लिए क्लाइंट ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि अपने उसी प्रोजेक्ट को दिखा के उसने मजीद और प्रोजेक्ट बेचने होते हैं। तो ये वो वजूहत है जहां पे बहरिया टाउन का बिल्डर जो है वो दूसरे जो बिल्डर हैं शहर के उनसे मुख्तलिफ हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि कुछ आपके समझ आ चुकी होगी, कुछ बात अगर रह गई हो तो नंबर पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। मर्जिंग करवाना चाहे तो 2 तारीख तक की ऑप्शन है, 2 अप्रैल तक आप मर्जिंग करवा सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।